इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं मोहसिन अहमद, कार्याध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी औरंगाबाद। आज जो है 14 तारीख है और तकरीबन 743 के करीब यहां पर पॉजिटिव पेशेंट की इत्तला मिल रही है। औरंगाबाद शहर के अंदर गुज़िश्ता जो है तकरीबन 2 महीने के करीब से अपने सब लॉकडाउन किए और इंतहाई एहतियात किए। खास बात है, रमज़ान के जैसा मुबारक महीने के अंदर भी रोजदारों को हद से ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा कि एक दिन आड़ जो है बंद किया गया है। रोजा इतना गर्मी में, इतना सब गर्मी होने के बाद भी औरंगाबाद शहर में 4.5 से 5 लाख मुस्लिम आबादी है, उन्होंने इस गवर्नमेंट का साथ दिया, लोकल के एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और रोजे में तकलीफ उठाए, खाने पीने की चीजा नहीं मिली, भूखे रह के रोजे रखे उन्होंने। तो आज 743 आंकड़ा आ गया। जब बॉडी थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तकरीबन आज से तब 15 दिन पहले, तो ये आंकड़ा मेरे जहां तक ख्याल है 50% से कम था। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि ये जो है पॉजिटिव की तादाद में इजाफा हो गया। इसकी वजह से औरंगाबाद शहर के जितने लोग हैं उसमें एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है। क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी का एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कंट्रोल करने के अंदर कामयाब नहीं हुआ है? जब घर में बैठा के रखने के बावजूद भी ये इतनी तादाद हो गई है, तो इसकी क्या वजह है? हर महल्ले के अंदर जो है फवाद नहीं करना चाहिए था, हर महल्ले के अंदर जो जो पानी की फवाद नहीं होना, दवा फवाद नहीं होना, वो क्यों नहीं हो पा रही है? ये तादाद में इजाफा होना 2 महीने के बाद ये गलत है। इससे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर कि फिर शहर अपना जो है ये जो है इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। मेरी म्यूनिसिपल कमिश्नर कलेक्टर से खासतौर से दरखास्त है, क्योंकि शहर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ है और पूरे महाराष्ट्र में अंदर म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से मेरी दरखास्त है। हमारा जो एरिया है 9 दिन में एक बार पानी आता है, रोशन गेट का एरिया, किराड़पुरे का एरिया, रशीदपुरे का एरिया, बारी कॉलोनी का एरिया, और बार बार हाथ धोना, जबकि दूसरी तरफ 4 से 5 दिन के अंदर पानी आता है। रोजदार को इस तकलीफ से गुजरना है कि भाई वो हाथ धोएंगे तो कैसे धोएंगे, कि आप 5 दिन के अंदर पानी एक तरफ छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है तो 9 दिन में पानी छोड़ रहे हैं। ये मसले से इतने मैं आपको बताता हूँ कि औरंगाबाद के जो है अल्पसंख्यक इतने कॉर्पोरेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, इतनी मदद कर रहे हैं कॉर्पोरेशन की, मगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो है जवाबदार इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमारे एरिया में रोशन गेट के अंदर जो है गढ़ के अंदर भाजी मंडी का इंतजाम नहीं, जो लोगों को इस तरफ यहाँ भाजी सब्जी का कोई इंतजाम नहीं है। और हमने रिक्वेस्ट किए थे कि जो 7 से 1 बजे तक का टाइम दिया आपने, दूध पूछ सब फुटजारा परेशानी हो रही है, एक दिन आड़ के बदले आप रोज यहाँ पर दीजिए, वही टाइम दीजिए 7 से 1 का, मगर 12 बजे के बाद टाइम दीजिए, 12 से 5 का टाइम दीजिए, हर रोज टाइम दीजिए। अगर आप रोज टाइम देंगे तो इसकी वजह से फिजिकल डिस्टेंस बरकरार रहेगा लोगों का, और लोगों का रश नहीं होगा और ज्यादा ये पॉजिटिव पेशेंट नहीं आएंगे। हमारी अभी भी अपील है आपसे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि आप रोज का रोज खुला रखिए और जो इतने पॉजिटिव पेशेंट बढ़ जा रहे हैं इसकी क्या वजह है दरियाफ्त कीजिए, क्योंकि इससे शहर के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो जा रहा है। और छोटी छोटी सी एक एक केस के अंदर आप महल्ले के महल्ले बंद कर दे रहे हैं और खाने पीने की कोई चीजों का वहां सुविधा उपलब्ध नहीं करा दे रहे हैं, ये गलत बात है। आप लोगों का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का कि खाने पीने की चीजें यहाँ उपलब्ध करा दे, और जो है गली बंद करने से पहले जो गली में वही बंद करे, जूना बाजार कबाड़ीपुरे का महल्ला है, नूर कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी, एक गली में निकला तो उन्होंने पूरी पूरी बस्ती को बंद कर दी, ये गलत है, ये नियम कायदे के खिलाफ है। और इस तरह की कोई चीज है तो ये आप इसे फौरी रोकिए। वहां के रोजदार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं सब्जी तरकारी के लिए, पेशेंट आ रहे हैं दवा के लिए आ रहे हैं, और उनको कोई मदद नहीं मिल रहा, हम इसका निषेध करते हैं। आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके अंदर साथ दीजिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, महागाड़ी की सरकार है, महागाड़ी की सरकार को बदनामी झेलना पड़ रही है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरफ ख्याल देना, और हम जो है तो पूरी तरह से आपके साथ है, मगर आप सही काम करिए और इसकी वजह दरियाफ्त करिए कि लोकल पार्टी बर्खास्त होने के बाद ये आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ वजह है, कुछ ना कुछ चीजें हैं,
ये देखिए यार, जो लोगों को ठहराए हैं ले जाके, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके खाने की व्यवस्था का म्युनिसिपल कमिश्नर ने शख्सी तौर पे ख्याल रखना। मेरी इस तरह की अपील है। और आने वाले वक्त के अंदर रमजान ईद है, रमजान ईद के अंदर और जहां जहां भी जो क्लियर है शहर, उस जगह पे सारे जो है हमने दूसरी चीजों को खोल दिए, जो चीज की जरूरत नहीं है, शराब की दुकान की इसकी खोल दिए, ठीक है जाने दीजिए, उसमें नहीं बोलेंगे। मैं जहां भी महाराष्ट्र के अंदर जहां पर क्लियर मामला है, वहां तहां के सारे धार्मिक स्थलों को खोलना चाहिए, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, उनको लोगों को खोलिए। हम फिजिकल डिस्टेंस रखेंगे और ईद की नमाज 25 तारीख की पढ़ने की उन जिलों में, उन शहरों में इजाजत देना चाहिए हमारी मुख्यमंत्री जी से। इस जो है अपील है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कि आप 25 तारीख की रमजान आ रही ईद और पूरे महाराष्ट्र में जहां भी क्लियर है वहां पर चाहे तो सब धार्मिक स्थल खोलिए। धार्मिक स्थल पीने से जाएंगी, माफ करना मेरी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं, मगर यह हकीकत है। पहले धार्मिक स्थल हर समाज के खोलिए और वहां पर इबादत, तिलावत, भजन, कीर्तन करने की इजाजत दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट। पानी की हद से ज्यादा तकलीफ, 9 दिन में एक बार पानी आ रहा है। म्युनिसिपल कमिश्नर को बार बार तवज्जो कराए कि 9 दिन में एक दिन पानी आना ये बड़ी मुश्किल की बात है। एक महीने में बड़ी मुश्किल से 3 बार पानी आ रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि घड़ी घड़ी हाथ कहाँ।